नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शराब के नशे में एक होमगार्ड कर्मी ने जिला संयुक्त चिकित्सालय फिरोजाबाद के चिकित्सा अधीक्षक से अभद्रता की। आपको बता दें कि अपने मित्र के पिता को अस्पताल में देखने आए होमगार्ड अवनीश सिंह, जो कि थाना रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है, शराब के नशे में अस्पताल में आए और अस्पताल के सीएमएस से अभद्रता करने लगे। आरोप है कि शराब के नशे में अस्पताल के सीएमएस से अभद्रता की और गाली गलौज की। अवनीश सिंह ने अपने आप को बताया होमगार्ड कर्मी, वहीं नगर पुलिस अधीक्षक के यहां पर कार्यरत है, जिसकी हनक को लेकर होमगार्ड कर्मी ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर गाली गलौज भी की। बताया होमगार्ड कर्मी के साथ अन्य 4-5 लोग और थे। शराब के नशे में होमगार्ड कर्मी अवनीश सिंह बार बार चिकित्सा अधीक्षक को धमका रहा था और गाली गलौज किए जा रहा था। फिरोजाबाद से खास रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। एक नंबर वार्ड में जो भर्ती है, आयुष्मान कार्ड धारक है, आयुष्मान का मरीज था वो, उसके लिए जो है उसको इलाज ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन के लिए उसको ब्लड की जरूरत थी, तो हमने जो है विदाउट बोलर उसको ब्लड दिलवा दिया। उसके बावजूद उसके संग में आने वाले 2-3 लोग थे जिनको नहीं, तो वो जो दारू पी करके दम मचा रहे थे, ऊंची ऊंची आवाज़ में अभद्रता से मेरे साथ पेश आ रहे थे। गाली गलौज नहीं है क्या? अभद्रता से पेश आ रहे थे, इन्फॉर्म कर दिया, वो अपना देखिए। अब यहाँ अभी कितने लोग हैं मौजूद अभी यहाँ पर जो स्टाफ द्वारा बैठा लेंगे? यहाँ पर अभी जो है 2-3 लोग हैं और सिक्योरिटी आई हुई है। ठीक है।